वहीं कानपुर में 3 महीने पहले 7 फेरे लेकर जन्म जन्मांतर का साथ निभाने वाली पत्नी राखी ने अपने पति दिनेश के भाई यानी देवर मनोज संग मिलकर पति की हत्या कर दी। देवर भाभी हत्या करके फरार हो गए। तालाब से जैसे ही युवक का शव बरामद हुआ, मृतक की पत्नी पति के छोटे भाई के साथ फरार हो गई, जिससे दोनों पर हत्या करने का शक गहरा गया। जांच के दौरान पुलिस मृतक के दरवाजे खून से सनी हुई रुई के टुकड़े भी मिले। मूल रूप से लखीमपुर खीरी के कुटरी रूप सेना रूप गांव निवासी 45 वर्षीय दिनेश अवस्थी दो छोटे भाई मनोज और मयानंद के साथ अपनी ननिहाल विदनू के खिरसा गांव में रहते थे। मयानंद 2 साल पहले अपने गांव लौट गया था और वहां खेती कर रहा था। करीब 3 महीने पहले दिनेश ने लखीमपुर निवासी राखी नाम की युवती से प्रेम विवाह कर लिया था, लेकिन इसके बाद से ही घर में भाइयों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। पड़ोसियों के मुताबिक बीते 3 दिन से दिनेश लापता था। घर में उसकी पत्नी राखी और मनोज ही रह गए थे। अब केस खुल गया है, देवर भाभी ने ही हत्या की और अब फरार है।